हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज का जो ऐप है ना, आपको एकदम देखना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ऐप आज तक ना आपको मिला होगा, ना मिलेगा, ना कोई बताएगा। और दोस्तों, इस ऐप का आपके अलावा किसी का बाप भी ओपन नहीं कर सकता, ना देख सकता, ना ही कुछ कर सकता। ये आपके सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही काम का ऐप है दोस्तों, जो आपकी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो कहीं स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं समझ बिल्कुल नहीं पाएंगे दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के निशान को दबा लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो देखते देखते एक लाइक करें और एक प्यारा कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं उस ऐप को ओपन करता हूँ। दोस्तों, जैसे इस ऐप को आप ओपन करेंगे, थोड़ा ऐसे 3-4 बार स्वाइप करेंगे तो चीटिंग स्टेटस का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे एक पासवर्ड चूज करना, बने रहिएगा दोस्तों, बहुत काम का ऐप है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड चूज कर लेता हूँ, 2211। फिर मैं नीचे भी कन्फर्म कर लेता हूँ, 2211। और यहाँ पे सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जो एकदम ब्राउजर है। घबराइए नहीं, जो सीक्रेट मैं बताने वाला हूँ, देख के आप दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे और आप खुश भी हो जाएंगे बहुत दोस्तों। तो बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, ब्राउजर है। ब्राउजर में आपको, मान लीजिए हम सॉन्ग सर्च करना चाहते हैं, सॉन्ग पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च क्लिक करते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि सॉन्ग आ गया, बहुत सारे यहाँ सॉन्ग है। इससे आप देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। और भी मान लीजिए मैं मूवीज को सर्च करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, मैं मूवी को सर्च करना चाहता हूँ, मूवी लिख के मैं इसे सर्च कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामने बहुत सारी मूवियाँ आ चुकी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीक्रेट कैसे है। तो इस सर्च बार में आपको जो मैं वहाँ पे कोड डाला दोस्तों, वो कोड आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जहाँ पे मैं 2211 डाला था, एक कोड मैं यहाँ पर डालूँगा सर्च बार में और सर्च करूँगा, ऐसे यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगा, जो काफ़ी सीक्रेट है, कोई नहीं जानता। यहाँ पे अपना पर्सनल वीडियो, पर्सनल इमेज, पर्सनल हर एक चीज़ छुपा सकते हैं, जो किसी का बाप भी खोल नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो प्लीज़ एड ए फोल्डर पे क्लिक करना है। यहाँ आप, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो फोल्डर बना देना है, कोई भी नाम दे के। मैं फ़िलहाल फ़ोटो लिख देता हूँ और कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ, और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके बीच वाले फ़ोटो वीडियो पर मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों, मैं 2-4 फोटो यहाँ से लेके वहाँ पे ट्रांसफ़र करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने ही सब कर रहा हूँ मैं, कोई भी फ़ोटो ऐसे ट्रांसफ़र करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कोई फ़ोटो यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, चलिए एक यहाँ पे एक को कर दिया, देखिए यहाँ पे आ गया। प्लस पे फिर क्लिक करता हूँ मैं, वहीं पर सेम चलता हूँ प्रोसेस, और मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देता हूँ, जो भी चूज़ करना है चूज़ कर लीजिए। ओपन का ऊपर ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे जनरेट होना चालू हो गया, देख सकते हैं जो यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो अभी और फोल्डर बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ से सिलेक्ट देखें 0 सिलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको इजीली मिल जाता है। तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं प्लस वाले पे क्लिक कीजिए, ऊपर फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके मैं वीडियो का एक बना लेता हूँ, वीडियो बना लिया है, देख सकते हैं आपको। तो यही प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया, यहाँ फोल्डर ऊपर दिया हुआ है, इस पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से कोई भी फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल वीडियो का क्रिएट किया हूँ, तो यहाँ पर वीडियो वाले ऑप्शन में चलता हूँ, और प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके, इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके मैं फिर वहाँ से एक वीडियो को ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कोई वीडियो को ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, जैसे ए वाला वीडियो है, हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यहाँ पे इजीली आ चुका है। अभी मैं बैक जाता हूँ दोस्तों, बैक जाने के बाद दोस्तों मैं इसको फिर से रीओपन करता हूँ। रीओपन करने के बाद देख सकते हैं ब्राउजर के सेम ही काम करता है, टोटल ब्राउजर है, लेकिन इसके अंदर जब 2211 मैं अपना कोड डालता हूँ और ऊपर सर्च पर क्लिक करता हूँ, तो हमारा एक फाइल ओपन हो जाता है, जो देख सकते हैं। यहाँ पे फोटो पर क्लिक करता हूँ तो फोटो आ गया, यहाँ पे वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो सॉरी वीडियो पर मैं क्लिक करता हूँ तो वीडियो आ गया। तो काफ़ी कमाल का ऐप है दोस्तों, इससे ज़रूर ट्राई करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार, और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।
दोस्तों दूसरा ये काफ़ी कमाल का है, एक गैलरी है लेकिन गैलरी मामूली गैलरी नहीं है, इतना ज़बरदस्त गैलरी है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हर काम अपना आप गैलरी में ही कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सब दिखाऊंगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। दोस्तों जैसे इस गैलरी को ओपन करेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरफेस आपको आ जाएगा। आने के बाद देख सकते हैं फर्स्ट वाले पे कैमरा का ऑप्शन है, तो हमारा फोटो आ चुका है। यहाँ पर वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वीडियो आ जाता है। यहाँ म्यूजिक पे क्लिक करते हैं ऊपर देख सकते हैं तो म्यूजिक आ गया। यहाँ ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ऐप आ चुका है। यहाँ डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो डॉक्यूमेंट आ गया। दोस्तों ये काफ़ी कमाल का ऐप है दोस्तों, यानी एक ही गैलरी वाले ऑप्शन में एक ही फ्यूचर में आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। देख सकते हैं यहाँ से म्यूजिक को भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं ऐप के जरिए आप ऐप को भी आप चालू बंद कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में भी आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, यानी गैलरी में ही एक गैलरी में 5 काम कर सकते हैं। तो काफ़ी कमाल का ऐप है दोस्तों, जरूर ट्राई करें। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करें और इसका भी यूज़ ज़रूर करें दोस्तों।